क्रियाओं से वो छत्तीसगढ़ कवन संवेदा पंजर छिपियाधन संवेदा पांचों तत्वों से किया हुआ पाप का नाश हो जाता है नारायण। एक और बात देखो करिश्मा, यही गलती स्वामी तुम्हारे घर चले जाए तो चार रोटी से ज्यादा खा नहीं सकते। यहाँ एक एक दंडी हमारे यहाँ वो घनश्याम है गुटका के जैसे दसवें सृष्टि का सृष्टि प्रारंभ से पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि को शक्ति प्रदान करने के लिए और सृष्टि के लिए अणु औषधियां उत्पन्न करने के लिए जल में भूमि पर एक छल बनाया, इसीलिए प्रयाग सृष्टि से पहले का है, इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में उत्तम सृष्टि से पहले से स्थापना प्रयाग का हो। प्रथम स्थापना गणेश जी के स्वरूप गणेश का प्रथम स्थापना प्रयाग में हुआ जो केदारनाथ घाट पर है, उसमें यज्ञ के देवता भगवान नारायण का हाथ किया गया दंड करोड़ धारी वेणी माधो आकर के यज्ञ के देवता में प्रथम गणेश जी का पूजन हुआ और यज्ञ के रक्षा के लिए पांच रूप में भगवान शिव नागवासुकी से लेकर के सोमेश्वर मधमहेश्वर आदि आदि रूपों में पांचों दिशाओं में स्थापित है, स्थापना हो गई। जहां जहां शिव का वास है वो पंचेश क्षेत्र ही कल्पवास क्षेत्र माना जाता है, नागवासुकी के उत्तर प्रेतराज का स्थान माना जाता है, नागवासुकी तक ही कल्पवास क्षेत्र है। बहुत कठिन है इस यही पर ब्रह्मा के संकल्पित पुत्रों में दक्ष को प्रथम सृष्टि का राजा बनाया गया, सृष्टि रचना से पहले दक्ष को प्रजापति राजा बनाया गया, प्रजा का पालन करने वाला। यही पर दक्ष ने भगवान शिव का अपमान भी किया था इसी प्रयाग में। अगर दक्ष प्रजा भगवान शिव का अपमान कर रहे थे, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र आ गया लेकिन भगवान शिव जी ने रोक दिया, नहीं प्रथम राजा का ही वध हो जाएगा तो सृष्टि का कर्म बिगड़ जाएगा, हम त्रिदेवों का संकल्प अधूरा रह जाएगा, इसके लिए क्षमा करो। शिव जी का अपमान होते देख करके दो लोगों को हंसी आई, एक अग्निदेव को और एक शनिदेव शनिचर को, शनिदेव को, दोनों को हंसी आई तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि आज से तुम्हारा प्रयाग क्षेत्र में प्रवेश वर्जित किया जाता है, ये श्राप तो हो गए। यज्ञ संपादित हुआ और वहीं पर ब्रह्मा जी ने घोषणा किया जो मकर राशि में सूर्य के प्रवेश से लेकर के उनका उत्तीर्ण होने तक जो समय है उस समय में दो लोग भी एक महीना पास करेंगे, लेकिन भूमि शयनम स्वर्ग भोजनम देव आराधनम हरिनाम चिंतन ये प्रक्रिया है कल्पवास का, इसी में अपना समय व्यतीत करेगा, उसको पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है उसमें वास करने का फल, जितने तीर्थ के देवता है उनके दर्शन का फल, अंततो गत्वा जरो वो कल्पवास पूरा कर लेगा वानरवास का और अपना सर्वेश सिद्धियादान जो किया जाता है जो परंपरा है उनका, उसके बाद उसे त्रिदेव के दर्शन का फल होगा, वो स्वयं तो मुक्त होगा, उसके कुल में कोई दरिद्री पैदा नहीं होगा। बोले हर हर गंगे जय श्री राधे श्याम, गंगा मैया की संध्या वेला की आरती, सारे भक्तों के दर्शन, संत सगागम,
संत समागम की जय हो। संध्या आरती, गंगा मैया की अविरल धारा यूं ही बहती रहे, श्रद्धा भक्ति की जो जलती रहे। जय हो सूर्य नारायण प्रभु। संध्या वेलम सूर्य नारायण के दर्शन, गंगा मैया की प्यारी छवि, जय जय श्री राधे। गंगा मैया सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए। हर गंगे त्रिभुवन सुखदाता, ओम हर गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाता, परम गति पाता, ओम हर गंगे। हर हर गंगे। प्रयागराज से आप सभी को जय श्री राधे। हर हर गंगे, गंगा मैया कृपा सब पे युगर से, श्रद्धा भक्ति की ज्योति वो जलती रहे। जय जय श्री राधेश्याम। जय श्री राधे।